मीनू का मुंह देखना। तो सही क्या है? भूकंप आ रहा क्या भाई? है ना? इतना ज़्यादा नहीं था, पर था। सब लोग बाहर आ गए बिल्डिंग से, सब हल्ला मचा रहे हैं, सब नीचे आ गए। देखा पंखा हिल रहा ना, है ना? ध्यान से देखो भाई, हिलता हुआ नजर आएगा, ध्यान से देखना। इतना प्यारा होता है ये भूकंप। मैं ऐसे पालती मार के बैठा हुआ था और यू यू हिलने लग गया मैंने पहले। अब तो एक्सपीरियंस था भाई, वो बहुत प्यारा। दही मैं भी ला रखा था। भूकंप आया था अभी अभी, खाना खाने बैठे थे हम, पागल हो गए। इतना प्यारा होता है बलवा। मतलब यार सब ऐसे ही ऐसे ऐसे हिला भाई सब। तेरे को फील हुआ? हाँ, पहली बार मेरे को लाइफ में पहली बार भूकंप फील हुआ भाई, मजा ही आ गया। आज तो नहीं हुआ मेरे को फील। भाई न्यूज में आ जाएगा कल की, अभी भूकंप आ जाएगा, अभी आ जाएगा न्यूज में कि दिल्ली में भूकंप आ गया। बाना जी ने बनाया पुलाव चटनी, मैंने दही बनाई है। किसे भी पूछ लेना, मेरे से जितने भी सगे संबंधी हैं सबसे पूछ लेना, मैं सबसे बढ़िया दही बनाता हूँ। स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में, यू आर वाचिंग प्रियंका आर्या। दिल्ली में आया भूकंप, बहुत तेज हल्ला हुआ ना हर तरफ, सब लोग चिल्लाने लग गए। औरतों को ज्यादा हो जाता है पहले। ओट्स में रखते नाश्ते में। गुड मॉर्निंग। का ब्रेकफास्ट ये है आज का। आज नवरात्रि का पहला दिन, ओट्स तो बना ही रहा हूँ, बट मीनू जी आज सब चीजें स्थापित कर रही हैं। सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं। हाउ क्यूट दे लुक। जय बोलिए भाई। अब ये निकलेंगी ऑफिस। बहुत ही ज्यादा सुंदर नहीं लग रही? मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, नहाना है। जा रहा है बाना? किधर? चलो टाटा। ठीक है ठीक है। भैया जी इसको ढक देते हैं। मस्त मील रेडी हो गई अपनी। मेन साड़ा रह जाता है गैस कनेक्शन, बट उससे पहले मैं जा रहा हूँ जिम। लाइफ को शेप कर सकते हैं आप एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी के साथ। सुबह सुबह एक तो सारा मार्केट बंद रहता है दिल्ली में सुबह। कार्डियो जिम। मैं वैसे मैप देख के आया हूँ यहाँ पर। चलिए भैया, थैंक यू। सी दिक्कत ये है, बॉडी दुखती भी तो है। पता नहीं क्या भांगड़ा जुम्बा सारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। अभी कल जब मैं उठूँगा तो मेरी सारी बॉडी दुख रही होगी भाई। ठंड हो रही है यहाँ पर दिल्ली में, मतलब
पंखे चलने फिर से कैसे बंद हो सकते हैं? मैं दिन में भी पंखे नहीं चला रहा हूँ, मुझे ठंड लग जाती है। कोटद्वार में मेरे घर पे भी, यहाँ पर भी, हर जगह पंखे चल रहे थे, बट अब नहीं चल रहे यार। भाई साहब ये रहा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से मिलिए, इनका नाम पुरुषोत्तम है, ये किसी के बाप से नहीं डरते हैं। अभी फिलहाल के लिए डर गए पर इतना ज़्यादा डरपोक नहीं है। ये देखो तीन बैठे हुए, उनके दोस्त हैं राम प्रकाश और नरेश, वो उनके दोस्त हैं। यार अग्रीमेंट हमारा दो दिन पहले आ चुका है और मैं अभी तक गैस कनेक्शन लेने नहीं जा पाया हूँ। अगर मेरी ऐड वीडियोज़ आ गई, मतलब कुछ शूट वगैरह आ गए, तो मैं दो लोगों से भी मिला हूँ यहाँ पर। मेरा एक NSD के टाइम का एक फ्रेंड है तरोश, तो उसने दो लोगों के कॉन्टैक्ट दिए थे जिनके पास काफ़ी एक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन्होंने बोला कि विल हेल्प यू इफ़ यू नीड एक्टर्स और ये सब। अगर वो एड शूट्स वगैरह आ गए तो फिर बिजी हो जाना है। मैंने आज सोच ही रहा हूँ, पहले नहा लेता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर चलते हैं गैस कनेक्शन लेने। लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैं खा के बताता हूँ कैसा हो रहा है। देखो यार शुरुआत में ना इतना ज़रूरी नहीं है कि बहुत हार्ड जाओ, मतलब मैं बहुत हार्ड जा चुका हूँ, पर शुरुआत में इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ शुरू करना बहुत ज़रूरी है, कहीं से तो शुरू करो। तो ऐसा नहीं कि आज कोई वर्कआउट वगैरह किया है मैंने हैवी, बट हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जो मैं आज 30 कर रहा हूँ मैं उसको 70 कर दूंगा एक दिन। डन है सब कुछ, चल रही है। ये लिख के दे ना। हाँ हाँ एग्रीमेंट तो है मेरे पास। हाँ बंसल स्ट्रीट, बंसल स्ट्रीट से बिल्कुल आगे स्ट्रीट की तरफ जा रहे हो, उस तरफ को जिधर वो है जीवन अनमोल। हाँ जीवन अनमोल हॉस्पिटल से पहले ही साथ में मार्केट है। हाँ मार्केट है ना, उस मार्केट में है एक्चुअली। अरे कहाँ है भाई, ये देखो माय फादर विल बी सो प्राउड। कनेक्शन लेना यार, गैस कनेक्शन तो इजी है यार यहाँ पर, जबकि मेरे बिल्डिंग के नीचे जो शॉप है उन्होंने डराया था मेरे को कि कह रहे यार अब गैस वैस नहीं मिलती है, यहाँ पाइपलाइन आ गई है और सिलेंडर्स जो हैं बंद हो रहे हैं अब, और कनेक्शन नहीं मिलेगा, बट मिल गया। बस एक दिक्कत हो गई, अब देखो तुम ऐसा करो मेरी गलतियों से सीख लो, टेंशन मत लो, तुम भी कहीं बाहर आओगे तो ये करना ज़रूरी है। मैं सब कुछ लेके आया था, एक चीज़ रह गई। क्या? ओनर की आईडी, ओनर की भी आईडी चाहिए मेरे पास। सब था, आधार कार्ड, फोटो, रेंट एग्रीमेंट, अपनी आईडी वाईडी सब थी। ओनर की भी लगती है भाई। तो इफ़ यू वॉच प्रियांक आर्य व्लॉग्स यू आर स्मार्ट, इट मेक्स यू स्मार्टर। ठीक है, दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। हमारे पिताजी की कृपा से ऐसा हुआ है कि हमें सिर्फ कनेक्शन लेना है और सिलेंडर लेना है, चूल्हा वूल्हा सब है हमारे पास। तो आज आपने क्या सीखा? नंबर वन, ओनर की आईडी लगती है, और दूसरा आपके पिताजी एजेंसी में होने चाहिए, गैस एजेंसी में। दूसरा वाला मुश्किल है, मतलब ऐसा है कि कुछ लेना नहीं पड़ा एक्स्ट्रा। हो गया ना बढ़िया, कल सुबह सुबह जाएंगे और फट से कर देंगे। मीनू जी के आने का समय भी हो रहा है, हम साथ ही साथ एडिट भी कर रहे हैं। आज मैंने दो एडिट किए हैं, एक रील डालनी है इंस्टाग्राम के लिए, वो देख लेना, आ गई होगी वो रील जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो, देख लेना। एक गढ़वाली अंकल की रील है जो पटना जंक्शन में फंस गए, जरूर देखना। देखो भाइयों, मीनू का तो कॉल आ गया है, मम्मी पापा का, वो उनसे ही बात कर रही है। अभी हमने डिनर नहीं बनाया बट ये मैं कल लेके आया था, अभी डिनर नहीं बनाया और ये मुंह लग जाते हैं, लेके जाता हूँ। हम दोनों ही इसके फेवर में नहीं थे, और मैं तो मतलब डाइट वाइट कर रहा हूँ, मैंने कहा ना इतना हार्ड नहीं जाएंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे। एक तो सही क्या है मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ यार, मेरा ना बहुत जीवन बहुत कठिन हो चुका है एडिट को लेकर। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे ये सच बोलना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। मैं ट्राई करूँगा लंबे करूँ, बड़े करूँ, बट छोटे होने की आशंका है। मैं करना नहीं चाहता छोटे, पर मेरे पास टाइम बहुत कम रह रहा है आजकल, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, दिमागी संतुलन, वो भगवान जी की कसम है। ऐसे बोल दूँ कि ज्वाइन करो, ओह आई एम सॉरी। पर यार मेरा मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ हर जगह अवेलेबल होने की, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं दिन भर में। मैं ट्राई नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि थोड़ा सा कंटेंट शॉर्ट हो जाएगा हल्का सा, हो सकता है ये लंबा ही रहे बड़ा भी रहे, मुझे मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ कि ये कम होने वाला है। तो बस इतनी सी सूचना देनी थी मेरे को, तो आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कसम नहीं दी मैंने अभी, ज्वाइन कर लेना चैनल को।
ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि the other way, sun is out but the sky is gray.